राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। का चुनाव द्विवार्षिक चुनाव 10 अगस्त 2024 को तहसील ग्राम पर जिनका प्रदोष संपन्न हुआ था, उसी समय कमल अग्रवाल और नरेंद्र सिंह इनों का आह्वान हुआ किसका शपथ समारोह लखनऊ को, तो हमारे लखनऊ राज्य महासंघ सारे लोग संगठन को बुलाया गया, उसे शपथ समारोह कॉमन हॉल में हो रहा है। कानपुर से आए, हाथी से आए, भदोही से आए, सोनभद्र से आए हैं, गोरखपुर से आए, तमाम जनपदों से सब सारे कर्मचारी हैं और लखनऊ का राज्य कर्मचारी महासंघ सारे पदाधिकारी और कर्मचारी में आज सहयोग पार सहयोग है। क्या कुछ संगठन की मांगे हैं, क्या कुछ समस्या है? संगठन की मांग ये है कि दो वर्ष से चतुर्थ कर्मचारी महासंघ 16 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री उप सचिव कार्मिक सचिव पत्र भेजा जाए, इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि कर्मचारी लाखों पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। कैसे अपनी बात को आगे रखते हैं? अब बात है आज शपथ समारोह में एक बैठक होगी और बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भर्ती पर जो रोक नहीं लगा वो तत्काल भर्ती की जाए। केस के उदाहरण आप देख लीजिए, सरकार ये कहती है कि तहसीलों में थानों भ्रष्टाचार है, लेकिन तहसीलों में चतुर्थ कर्मचारी की एक एक तहसीलों में एक एक आदमी है और जो चतुर्थ पे भर्ती होगी भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक, और बलिदान यही है महासंघ की पहचान। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ लल्लन पांडे गुट इनिशियल संवर्ग चतुर्थ श्रेणी संवर्ग और श्रमिकों का एक संयुक्त महासभा है और उसी महासभा के तहत आज उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसमें भारी संख्या में मिनिस्ट्रियल संवर्ग चतुर्थ श्रेणी और हमारे श्रमिक प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उन सबको धन्यवाद दें। कर्मचारी महासंघ द्वारा जो 25 अगस्त को वर्चुअल चर्चा में निर्णय लिया गया NPS और UPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना, 18 महीने का DA का एरियर का भुगतान किया जाना, हमारे वेतन भत्तों को ठीक किया जाना, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती किया जाना, संविदा आउटसोर्सिंग रसोइयाँ आंगनबाड़ी आशा बहुएं स्कीम वर्कर्स उनका जो मानदेय है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 अप्रैल 2006 उमा देवी बनाम कर्नाटका समान कार का समान वेतन लागू किया जाए, मिनिमम 26,000 उनको वेतन दिया जाए, नियमित तृतीय श्रेणी की भर्ती की जाए, कनिष्ठ सहायकों का ग्रेड पे 2800 रुपए मिनिमम किया जाए, यही सब हमारी मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और 26 सितंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में BN सिंह प्रतिमा KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में 2:30 बजे संयुक्त ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर सरकार को दिया जाएगा। देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।